नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेता जी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जो आप लोग पूछते रहते हैं कि 5 साल का जो वेवर है वो कहाँ पे लेटर में लिखा हुआ है और 4 कैटेगरीज में जो ट्रांसफर्स कराए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं वो 5 साल के वेवर के लेटर के बारे में। दोस्तों अगर मैं ये लेटर में ले लिया कि लेटर में कई टिपिकल चीजें लिखी रहती है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रहता है बताने में, तो ये यादें नहीं रहती है वो, इसलिए मैं बात करूँ इसलिए ले लिया हूँ। हिम्मत सोचिएगा मैं देख करके बोल रहा हूँ, वो लेटर के लाइन से याद नहीं रहते। ये लेटर 10/2/2017 को जारी किया गया है और लेटर का नंबर है ENG 2015/TR/20। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी एग्जम्पशंस फ्रॉम 5 इयर्स सर्विस कंडीशन, रेफरेंस रेलवे बोर्ड लेटर नंबर EO 2014/PL/5 डेटेड 31 अगस्त 2015। अब देखिए इसमें लिखा गया है, इसका मैं सीधा बता देता हूँ, लेटर रिक्वायर्ड होगा मैं ईमेल आईडी पे भेजूंगा, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन क्या है इसमें क्लियर कट जाते हैं कि पहले 5 ईयर का एग्जम्पशन नहीं था, लेकिन 5 ईयर का एग्जम्पशन नहीं था, कई यूनियंस ने इस मैटर को कंसिडरेशन में लाया रेलवे बोर्ड के, तो ये एग्जम्पशन 4 कैटेगरी के लिए लागू किया गया। वो 4 कैटेगरी के लिए जो लागू किया गया उसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है, इसमें बोथ द फेडरेशन दिस AIRF और NFIR जो यूनियंस है रेलवे की जानी मानी have raised this issue, the matter has accordingly been considered by the competent authority and in partial modification of board letter referred to above. यानी इन दोनों यूनियन ने जब इस बात को consideration में लाया तो उसके बाद इसमें modification लाया गया और board ने इस चीज को ध्यान दिया और modification लाया गया certain condition में। और नीचे का लास्ट 2 लाइन देखिए क्लियर कट लिखा हुआ, it has now been decided that the following categories of transfer in the case of non-vested staff will be exempted from the condition of a minimum 5 year. यानी यह अब निश्चित किया गया है कि नीचे लिखे गए categories में transfer जो किया जाएगा, जो non-vested staff group C या group D है उसमें, उन्हें 5 साल के condition जो है 5 साल के job के उससे exempted किया गया, यानी मुक्त किया गया। अब वो 4 condition कौन कौन से हैं? ट्रांसफर सॉर्ट ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर जो आप मांग रहे हैं। दूसरा, ट्रांसफर सॉर्ट ऑन स्पाउस ग्राउंड, स्पाउस ग्राउंड पे जो आप मांग रहे हैं। तीसरा, रेलवे सर्वेंट्स हु आर केयर गिवर्स टू देयर डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी ऐसे रेलवे कर्मचारी जो अपने दिव्यांग बच्चों की देखभाल करते हैं। और चौथा, फिजिकली हैंडीकैप रेलवे सर्वेंट, यानी जो दिव्यांग रेलवे कर्मचारी स्वयं है उनको। इन 4 conditions में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको 5 साल का जो एग्जम्पशन है जॉब का वो दिया गया है। अब इससे ज्यादा तो कुछ लिखा नहीं जा सकता, तो अगर कोई आपका अधिकारी रोक रहा है तो आप उसी लेटर का प्रूफ दिखा सकते हैं, जरूरत हो मैं ईमेल आईडी पे भेज दूंगा। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं इससे आपको मदद होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।